इधर टीम ही आ जाती है काम करने के लिए, जो कि किस मकसद से आई है वो हमें आगे पता चलेगा। इधर यहाँ पे काम बता रहे होते हैं कि कैसे क्या काम करना है, और यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें जो भी स्किल्स पसंद आता है पैन के साथ या थॉर्न के साथ टीमी, तुम उसे सेलेक्ट कर सकती हो। यहाँ तो टीमी के दिमाग में अलग ही माइंड था, तो टीमी सोचती है कि पैन को वो चूज़ करे या थॉर्न को, तो कहती है कि मैं चाहूँगी कि थॉर्न मुझे हेल्प करे। तो यहाँ पे पैन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, कंपनी के लिए काफ़ी तरक्की लगता है दोनों लोग करेंगे। यहाँ पे थॉर्न को वो पिच कर रहा होता है। इधर यहाँ पे इसकी ऑफिस तैयार हो रही होती है टीमी की, और यहाँ पे बोलती है कि मैम आपका सब कुछ रेडी है टेबल। तो कहती है आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न फुली, ठीक है ऐसे कर दो। तभी यहाँ पे दौड़ कर आती है पाई, समझती है थॉर्न का कैबिन है, लेकिन ये तो थॉर्न का कैबिन रहता है नहीं। तो यहाँ पे बोलती सॉरी मुझे लगा था कि ये थॉर्न का है। तो वो फाइल्स लेके आती है जॉन का, यानी कि जो कि इनके डायरेक्टर है कंपनी के, और उसके अंकल भी पाई के। तो वो वहाँ पे चुपचाप से रख देती है, कहती है सॉरी मुझे लगा था कि यहाँ पे थॉन का है। तभी वो वहाँ से चली जाती थी, और टीमी की नज़र वो फाइल्स और रिकॉर्डिंग में थी कि आखिर ऐसा क्या है उसमें। इधर देखने को मिलेगा जो बेचारा पैन होता है काफ़ी परेशान होता है, ढूंढ रहा था पाई को। तभी पाई को वो नज़र आता है जैसे वो जाने वाला होता है, लेकिन उधर चौन आ जाता है। चौन से वो बात करने लगती है, कहती है कि मैंने जो मैम का चौन का जो फाइल्स है वो आपके टेबल पे रख दिया, तो प्लीज़ एक बार आप जाके चेकआउट कर लेना। वो थॉन को कहती है, यहाँ पे बोलते देखो तो बात जो ऐसे करती है मानो कि क्या बोलूँ मैं इसको। कहते ठीक है वैसे तुमने अपनी मुझसे से क्यों बना के रखी है। कहती कुछ नहीं एक्चुअली बात ये है, मैंने टीनी को देखा इस वजह से मैं थोड़ी सी ये हो गई, मुझे समझ नहीं आया। तो कहता ओ हाँ वो यहाँ काम करे। कहता अच्छा, जैसे ही वो बोलने वाला होता है उससे वो उसको लेके चला जाता है। इधर वो आता है बेचारा गुस्से में पैन कि जब देखो बीच में थॉर्न आ ही जाता है, काफ़ी गुस्से में रहता है। तभी यहाँ पे नॉक नॉक होता है, वो हाँ कोई और नहीं टीमी होती है। टीमी तो बहुत ज़्यादा पैन को लाइक करती है, और किस हद तक वो जाती है ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगी। तो कहता हाँ बोलो क्या बात है। तो कहती है चलो क्यों ना हम दोनों साथ में लंच कर लें, ये मौका अच्छा है क्योंकि अभी मैं भी फ्री हूँ तुम भी फ्री हो। तो कहता है बेचारा पैन ठीक है, क्योंकि उसके पास और ऑप्शन भी नहीं था, वो जा चुकी होती है थॉर्न के साथ। तभी यहाँ पे ये अपना बैग ओपन करती है टीमी, और यहाँ पे किसी को कॉल करती है, और कॉल में वो किसी को कुछ बताती है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे रिजॉर्ट में आ जाते हैं ये लोग लंच करने के लिए, थॉन और पाई। यहाँ पे दोनों लोग काफ़ी अच्छे से बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पे बोलती है कि मुझे तो लगा था टीमी यहाँ क्या कर रही है जब मैंने उसे पहली बार देखा तो, लेकिन पर सब ठीक है। तभी उसी रेस्टोरेंट में वो लेके आती है जानबूझकर यहाँ पैन को, तो पैन जाने लगता, कहती है अरे नहीं चलो क्यों नहीं हम लोग साथ में बैठ के इंजॉय करते हैं, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। यहाँ पे बोलता है क्या कि तुम सही कर रही हो। कहती है हाँ क्या प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है चलो, खाने से तो मतलब है। तो फिर पैन भी मान लेता है उसकी बात। यहाँ पे वो दोनों देखते हैं, यहाँ पे पाई के दिल में तो कुछ भी नहीं था ना थॉन के दिल में। तभी यहाँ पे वो बेचारी हट जाती है पाई, और कहती है कि तुम यहाँ बैठ जाओ। टीमी को गुस्से से उसे देखती हुई क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तभी सारे डिज़र्ट आ जाते हैं वहाँ पर, और यहाँ पे सब लोग खाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे टीमी जो रहती है वो एक पे एक आग लगाने वाला काम कर रही होती है। कहती है कि तुम दोनों जंगल में थे, जंगल में तो खूब मस्तियाँ किए होंगे, क्या सही कर रही हूँ ना मैं। यहाँ पे वो थॉर्न को जलाने के लिए बोल रही होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है, ना तो पैन कुछ बोलता है ना तो पाई कुछ बोलती है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें चौन सुन रहा था, उसके दिमाग बार बार घुस रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात वो उसे लाइक करता है, बस एज लाइक सिस्टर की तरह वो पाई को कहता है। तो यहाँ पे बोलती है कि जब तुम दोनों साथ में तो ज़रूर तुम दोनों ने कुछ तो किया होगा। यहाँ पे एकदम शॉक हो जाती है पाई कि यह आखिर क्या अनाप शनाप बोली जा रही है, और सच में यहाँ तो बहुत कुछ हुआ था जंगल में मनमानी। यहाँ पे बोलता है क्या बकवास कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे थॉर्न काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तो यहाँ पे पैन बोलता है क्यों नहीं हो सकता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम दोनों तो फियांसे हो ही, मैं कुछ भी करूँ किसी के साथ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा हो जाता है, यहाँ पे थॉर्न खड़ा हो जाता है। यहाँ पे बेचारी पाई उसको कंट्रोल करती है, लेकिन यहाँ पे थॉर्न एक ही मारता है पैन को, और यहाँ पे पैन को बहुत कस के चोट लगती है। इधर बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो,
क्या समझ के रखे हो, क्या तुम पाई को इस तरीके से करते हो। यहाँ पे वो भी उसे एक ही मारता और कहता है क्यों नहीं तुम एक्सेप्ट कर लेते हो धॉन, कि अभी भी तुम उसे पसंद करते हो, बोल दो एक सिस्टर की तरह नहीं एक लवर की तरह। यहाँ पे दोनों लोग साथ में गिर जाते हैं। जब पैन मारता है तो यहाँ पे काफ़ी गुस्से में आ जाता है पैन, और यहाँ पे जब पैन को गुस्सा आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो पाई हो या थॉन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन गिर रहा है और मर रहा हो। यहाँ पे वो उसे घूर कर देखता है और यहाँ पे वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पीछे पीछे पाई आती है, कहती है क्या था ये सब, क्यों कर रहे हो तुम, क्या पागल हो गए हो तुम, हाँ इतनी छोटी सी की बात पे तुम इतना बड़ा इशू क्यों क्रिएट कर रहे। यहाँ पे बोलता तुम्हें समझ में, एक छोटी सी बात है ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, समझी। वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बहुत आवाज़ लगाती है लेकिन वो एक ना सुनता उसकी। इधर देखने को मिलेगा टिमी आती है, यहाँ पे उसे बोलती है सब ठीक है ना, कहता हाँ। इधर बेचारा अब पैन अफसोस कर रहा होता कि उसने धक्का तो दिया था, साथ में पाई भी गिर गई थी। वो अपनी माँ के घर आ जाता है गाड़ी लगा के और वो अंदर जाता है। तभी वहाँ पे पाई भी जल्दी जल्दी आती है, उसे उसके अंकल जो कि उस घर के हैं सर्वेंट उसे डाल देते हैं अंदर। कहता है कि अभी तो यहीं था, पता नहीं कहाँ चले। तभी वो आती है यहाँ पे, कहती है तुम ठीक हो ना, तो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ बस, तुम कैसे आई। वो उसे टच करती है, उसे लगता है कहीं उसे बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं आई। वो उसे टच कर करके देखती है, कहता है मैं ठीक हूँ मैं बोल रहा हूँ ना, तो कहती है जब ठीक थे तो तुमने मुझसे बात नहीं की। यहाँ पे बोलता है हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, अब बोलो क्या बात है। यहाँ पे बोलती है चल चल तब डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। यहाँ पे बोलता है कैसे बताऊँ उसे मैं कि मैं हर्ट कहाँ पर से हूँ, क्योंकि वो अपनी दिल की बात करवा रहा था लेकिन वो बताना चाह रहा था कि वो उसे कितना पसंद करता है, लेकिन अफसोस कि वो बता नहीं पा रहा था। तो कहता है टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कहती है अच्छा ठीक है जब कोई बात ही नहीं तो मैं यहाँ से चलती हूँ, बोलो। इधर वो लैपटॉप में कानूनची कर रही होती है, तभी यहाँ पे आ जाते हैं कौन और यहाँ पे बोलते हैं देखो तुमसे टीमी कौन मिलने आया है। तो यहाँ पे बोलती है मुझसे मिलने कौन आया है, और वहाँ कोई और नहीं नॉप होते हैं जो कि उसके डैड होते हैं, और वो अपने डैड को काफ़ी शौक में चली जाती है। कहती है डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे बोलते हैं क्यों तुम्हें नहीं पता था कि ये यहाँ हम लोग साथ काम करते हैं पार्टनरशिप में। तभी यहाँ पे थॉन भी हाई करता है अपने ससुर को जो कि होने वाला है। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, तो कहती है हाँ बोलो, उतना देर से मैं कह रही तो तुम्हें तो बहुत चर्बी उठी हुई थी अब बोलो। तो जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपने दिल की बात बताता है, तभी यहाँ पे कहता कि मैं आई उसके बाद वहाँ पे सियप्पा एक अलग सा हो जाता है कि यहाँ पे कॉल आता है जो कि टेबल पे रखा होता है। पाई ने वो प्रोजेक्ट जो कि मिसिंग था और उसे ऑफिस जल्दी आना पड़ता है दोनों को साथ में। यहाँ पे सब टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट था उस कंपनी के लिए। यहाँ पे बोलती है कि मैंने उसे प्रॉपर वे में रख दिया था। तो यहाँ पे कहता है इसके ज़िम्मेदार तुम हो। यहाँ पे एक दोनों अपने भाई पे ही दोष देने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।